फॉर। तो चलो फिर आगे चलते हैं और भी सीन हम आपको चेक कराते हैं। सी व्यू पे देखा जाए तो हम तो आते जाते रहते हैं सी व्यू पे, आज भी मैं आई हूँ। मैं सीवीओ ते आया था, 25 साल हो गए, कोई छोले वाला नहीं थी। अच्छा अच्छा। इन्हें मैं सिखाया है। अच्छा अच्छा। ये शाही डिलक्स कितने का है? 5 का है। एक पीस 5 का है जी हाँ। और दो पीस 10 का है। हमारे इलाके में ये दो पीस 5 रुपए के मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। शॉर्ट टाइम्स के एक और एपिसोड के साथ आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं आ चुका हूँ सीवीओ कराची में। सीवीओ कराची बेसिकली कराची का एक खूबसूरत इलाका पर डिफरेंट इलाकों से लोग पिकनिक मनाने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। तो आज मैं भी आ गया हूँ भाई सी व्यू को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज इस एपिसोड में मैं चेक करूँगा कि इस साहिल समुंदर सी व्यू पर क्या हो रहा है और यहाँ पर कौन कौन से तरह तरह के खाने पीने मिलते हैं, और इसी के साथ साथ सी व्यू का सीन कैसा होता है और यहाँ पर और भी क्या चीज़ें। तो चलता हूँ, इस एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ, और जाते जाते आपको ये भी कहूँगा कि कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश भी करेंगे कि वो भाई सी व्यू आए और सी व्यू का एक्सपीरियंस उनके लिए कैसा रहा। तो चलता हूँ, इस एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो फिर। अच्छा जी, सीवीओ एक ऐसा इलाका है कराची का जहाँ पर हर किस्म के लोग घूमने के लिए आते हैं। तरह तरह के खाने, मशहूर मशहूर खाने यहाँ पर आपको छोटे लेवल से खाने लेकर बड़े लेवल तक के खाने भी मिल जाते हैं। मतलब बड़े रेस्टोरेंट भी आ गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं, ठीक है, छोटे छोटे फूड स्टॉल्स भी हैं, साथ साथ आपको कैमल्स राइड भी मिल जाते हैं, हॉर्स राइडिंग भी आपको मिल जाती है। फिलहाल ये जो लैंड जा रही है इस पर आपको डिफरेंट किस्म के लोग मिलेंगे जिनसे हम कोशिश करेंगे बात करें, और यहीं से सीवीओ का स्टार्ट हो जाता है कि भाई आपको अगर समुंदर पर जाना है तो आप वहाँ जाएँ, अगर आपको स्ट्रीट व्यू इंजॉय करनी है तो आप इसके फुटपाथ पर चलें। तो इसी के साथ साथ और भी लोग होंगे जिनसे हम बातें करेंगे, और मेरे साथ एक आज एक स्पेशल बंदा है जिनसे आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, वजाहत भाई आ जाए मेरे साथ वीडियो में। तो आज याद ही शर्मा ही नहीं, कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप शार्ट टाइम्स पर आए सीवीओ घूमने के लिए, तो सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है माशाल्लाह से। भाई इनका टैलेंट ये है कि ये एक हाफिज़ुल कुरान है, तो हाफिज़ होने के साथ साथ अगर किसी को भी मतलब घर पर अपने बच्चों को पढ़वाना हो अरबी, तो घर पर आकर ये एज अ होम ट्यूटर पढ़ाते हैं। ट्यूशन तो नहीं, ट्यूटर कहूँगा ना आपको मैं। तो इनके साथ आज मैं सीवीओ का पूरा सीन एक्सप्लोर करता हूँ। फिलहाल चलते हैं आगे और आपके साथ सीवीओ हम एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो फिर। अच्छा जी, सीन इस वक्त ऑन है सीवीओ का और मैं आगे आया हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं कौन से भाई? सपेरे। सपेरे भाई थोड़ा सा बीन बजा कर सुनाए। जबरदस्त। कितने सांप हैं आपके पास? सांप तो दो चार हैं। दो चार हैं। पाले हुए अपने? पाले हुए। जबरदस्त भाई जबरदस्त। तो कितने पैसे लेकर दिखाते हैं लोगों को? 400-500 रुपए का शो होता है, लेकिन अच्छा, वो देखने वाले लोग हो जाते तो अच्छा, हो जाते अच्छा, नहीं तो ऐसे बैठे रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहीं से रोजी चलती है? यही से रोजी। तो भाई डिफरेंट किस्म के लोग सीवीओ पर आते हैं और डिफरेंट किस्म के टाइप के लोग यहाँ पर अपना शो दिखाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं। तो आगे चलते हैं और भी सीन हम आपको दिखाते हैं सीवीओ का। अच्छा जी, आगे आने के साथ साथ भाई ये कुछ भाई लोग हैं यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। कौन बात करेगा मुझसे?
चले सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सीवियो आए घूमने के लिए? जी सारे आपके दोस्त हैं? जी सब। कैसा लगा आपको सीवियो? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए आप? हम इधर से कैदाबाद से आए हैं। वैसे पीछे रियाद भावलपुर की है। अच्छा अच्छा, तो कैदाबाद में क्या काम के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं? कराची? जी जी। कराची में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? जी सीवियो लगी है। क्या क्या किया आपने सीवियो पर? घूमे फिरे हैं, वो घोड़े वगैरह पे बैठे हैं, गाड़ियाँ चलाई हैं। और सबसे अच्छी चीज कौन सी? राज अब्दुल्ला शाह की दरबार पे उधर हाजिरी दी है, ज़ियारत की है। अच्छा अच्छा, तो मतलब जुम्मे के दिन सब ने आप लोगों ने एंजॉय कर लिया। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बोलूंगा तो आप लोगों ने एक साथ बोलना है। चलो फिर एक साथ 1 2 3 पे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। इनका स्पिरिट हम देखते हैं भाई। तो एक दफा और तो चलो फिर आगे चलते हैं, और भी सीन हम आपको चेक कराते हैं। शुक्रिया सर आप लोगों का। अच्छा जी, ये जो रास्ता जा रहा है यही साहिल समुंदर की तरफ जा रहा है, तो मैं अब आपको लेकर जा रहा हूँ साहिल समुंदर पर, जहाँ पर लोगों का एंटरटेनमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पर घुड़सवारी और इसके अलावा कैमल राइडिंग भी है। फिलहाल हम आगे चलते हैं और आपको सीन दिखाते हैं, आ जाएं। अच्छा जी, थोड़ा सा चलते चलते भाई मैं आगे आ गया हूँ। अभी भी काफ़ी दूर है पानी, और इस वक्त जो पानी है वो काफ़ी दूर है। इवन के कहा जाता है कि भाई जब ये पानी की चढ़ाव होती है और पानी जब आगे तक आ जाता है तो वो बिल्कुल आगे तक चला जाता है। अगर कैमरामैन थोड़ा सा वहाँ से दिखाए, समटाइम ऐसा भी होता है कि रोड तक पानी भी आ जाता है। तो फिलहाल अभी तो पानी की लहर काफ़ी ज़्यादा कम है और साफ भी हो रहा है, एरिया हमारा साफ भी हो रहा है, कोई इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं है। तो मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि डेवलपमेंट का जो काम है ना वो सीवियो पर जारी है। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल। खुश है आप? जी जी बिल्कुल, कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं। फिलहाल आगे चलते हैं, पानी में आपको डुबाते हैं और भी सीन चेक कराते हैं, आ जाए। अच्छा जी, जब साहिल समुंदर पर हम आते हैं तो हमें यहाँ पर सी चीज़ों से, मतलब साहिल समुंदर की चीज़ों से बनी हुई बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें मिलती हैं। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप सर कितने कितने की सेल कर रहे हैं? क्या है मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कोई 20 की है, कोई 50 की। ये फानूस है? जी ये फानूस। कितने का है ये? 650 रुपये की दे रहा हूँ सर। फिक्स प्राइस होता है या नहीं? फिक्स प्राइस, कोई मार्केटिंग नहीं है। तो ज़्यादातर यहाँ पे डिमांड किस चीज़ों की होती है? यहाँ पे क्या खरीदते हैं लोग? लैम्प की डिमांड होती है। अल्लाह लैम्प दिखाएं, लैम्प दिखाएं जरा। ये देखिए भाई, ये लैम्प है, लाइट जलती है इसके अंदर जी। लाइट ये कितने की है? ये 550 की है। अच्छा, तो ये गिफ्ट वगैरह देने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। और इसके अलावा कौन सी चीज़ जो आपके आपके सबसे ज़्यादा सेल होती है? ये अल्लाह के नाम है। ठीक है, इसका क्या हदिया है? इसका 60 रुपये दिया है जी। 60 रुपये हदिया है भाई, ज़बरदस्त जी। तो बाकी ये छोटी मोटी वरायटी है, इसमें 10-5 रुपये अपने रख के तो दे दे। अच्छा अच्छा, ये कितने कितने की सारी? ये 50-50 की वरायटी लगी हुई है। 50 में कोई भी चीज़ उठा लें जी, ये आगे वाली। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये पीछे वाली? पीछे वाली ये जो पड़ी है उसमें 80 रुपये की है। ठीक है, मतलब डिफरेंट प्राइजेज हैं जी। तो ज़बरदस्त भाई, सीन ऑन है। और आपका नाम क्या था? मोहम्मद शहजाद नाम। शहजाद भाई के पास और भी यहाँ पे फैमिलीज आती हैं, सामान खरीदती हैं, और शहजाद भाई अपनी दिहाड़ी इस तरह से लगाते हैं, गुजारे इस तरह करते हैं। दाल रोटी मिल जाती है, टाइम पास हो जाता है। खुश है ना? जी शुक्र अल्लाह। और समुंदर के हवाले से क्या कहते हैं कि समुंदर का एनवायरनमेंट कैसा है अभी? गवर्नमेंट यही है कि स्टॉल बाल नहीं करने दे रही है। स्टॉल बाल करने देवे तो हम भी। अच्छा, स्टॉल नहीं है यहाँ पर बेसिकली। स्टॉल हो जाए तो आप लोग को सुकून मिल जाएगा। सुकून मिल जाएगा, अभी यही फॉर ये बस। ठीक है शहजाद भाई, आप कंटिन्यू करें, आप जो इस वक्त कस्टमर भी है। तो इंशाल्लाह और भी हम आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे और चेक करते हैं कि आगे क्या हो रहा है। अच्छा जी, आगे आ चुका हूँ भाई। आगे आने के बाद आप जब समुंदर से वापस आते हैं तो ये तो थोड़ा सा एक गीला एनवायरनमेंट है, गीले एनवायरनमेंट पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आप चप्पल जमा कराएं, चप्पल जमा कराने के बाद पानी से पैर धोएं। कितने पैसे होते हैं जमा करने के? 20-20 रुपये। तो भाई 20-20 रुपये में आप चप्पल जमा कराएं। चप्पल जमा कराने के बाद अगर आप फिर आप यहाँ से पैदल पैदल चले जाएँ साहिल समुंदर पर, जिसका मंजर जिसका नज़ारा एक अलग ही पेश कर रहा होता है। फिलहाल अब आगे चलते हैं और भी सीन आपको चेक कराते हैं। अच्छा जी, आगे आने के बाद यहाँ पर भाई समोसों का सीन है, समोसे और रोल। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर कितने कितने का है? समोसे 50 के साथ हैं और रोल 50 के 3 दाने हैं। 50 के 3 दाने और 50 के साथ। क्या होता है, मटेरियल क्या है इसके अंदर? आलू होता है। आलू होता है इसके अंदर। तो भाई आलू होता है इसके अंदर और लोग इसको शौक से खाते हैं। हाँ लोग शौक से खाते हैं। ये एक पूरा ट्रे बेचने में कितने पैसे आपके बच जाते हैं? अल्लाह का शुक्र है 3,000-4,000 बन जाते हैं आराम से एक दिन के। हाँ तो भाई ये एक अच्छा कारोबार है यहाँ पर जो भाई कर रहे हैं।
और सीन आप देख रहे हैं समोसे बेसिकली हो तो गए ठंडे, लेकिन जब इनको ये तरकारी के साथ देते हैं तो इसका एक अलग ही मज़ा होता है। तरकारी किसकी होती है? आलू की होती है। आलू दाल और धनिया पुदीना अदरक, ये देखिए भाई ये तरकारी है बेसिकली ज़बरदस्त। फिलहाल आगे का सीन हम चलते हैं और भी आपको चेक कराते हैं कि साहिल समुंदर पर और क्या हो रहा है। अच्छा जी, सी वी यू का सीन ऑन है और मेरे साथ एक लड़की है जो एंजॉय कर रही है सी वी यू पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फरा। फरा, क्या कैसा लगा आपको सी वी यू? सी वी यू देखा जाए तो हम तो आते जाते रहते हैं सी वी यू पे, आज भी मैं आई हूँ, काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मंथ में आती रहती है या वीकली आती रहती है? नहीं, मंथ में आती जाती हूँ और जो है, लेकिन अभी भी जो है सी वी यू को ज़रूरत है नीट एंड क्लीन होने की और बहुत सारी चीज़ें हूँ, सर्टिफाई हूँ कि बस हम जो अपना राइट्स पे बैठ रहे हैं उसके हवाले से भी। और फूड सही है, यहाँ का फूड इतना जो है इतना इंटरेस्टिंग है, इतना यम्स नहीं है, बाकी जो है राइट्स अच्छी है। लोगों को क्या आप अपना लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर हवा भी चल रही है और जानवर लेकर आए, फूड अपना लेकर आए, घर से बना के या घर से खा के आए या यहाँ से घूम के कहीं रेस्टोरेंट में चले जाए, बट मैं कहूँगी कि यहाँ पे नहीं खाए। चले चले, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भाई। इसके अलावा भी हम और भी लोगों से बात करते हैं, आगे चलते हैं और चेक करते हैं। अच्छा जी, आगे हम आ चुके हैं और आगे आने के बाद यहाँ पर सीन लगा हुआ है छोले का। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर कितने कितने का दे रहे हैं ये काम? अगर फोकस किया जाए जी, ये टेस्ट बने हुआ है, ठीक है, जेड़ा छोले खाए तो उस मजा बड़ा आवे था। अच्छा उस्ताद, मैं सी वी ओ ते आया था, 5 साल हो गए, कोई छोले वाला नहीं थी। अच्छा अच्छा, इन्हें मैं सिखाया है। अच्छा अच्छा, हाँ ये सारे छोले वाले जो मेरे शागिर्द हैं, सही सही सही, सिखा देता है। असल छोले वाला मोड मैं ही हाँ, मेरे छोले जड़े एक बार आदमी खा जावे वो दोबारा मेरे को आवेदा जरूर आवेदा। सही है, आपका नाम क्या है? दोस्त मोहम्मद नाम है। नूर दोस्त मोहम्मद है। दोस्त मोहम्मद जी, दोस्त मोहम्मद भाई के छोले आप लाजमी खाएं, 30-30 रुपए का ही है बेसिकली, है ना? तीस रुपए, ये 30 का है और ये छोटा वाला 30 का है, 50। अच्छा अच्छा, ये छोटे वाले भाई 30 के हैं और बड़े वाले हैं 50 के। छोले जितने है करी खा जावे वो आदमी फिर याद करे था कि अच्छा छोले खाते थे बूढ़े बंदे थे। टेस्ट होता है। ओके ओके ओके, आप चेक कर लो, वो थोड़ा सा हमें चेक करो कि इंशाल्लाह साढ़े छोले चले। चाचा ने हमें बोला एक बार चेक करे तू दोबारा आकेगा मैं वो दे दूंगा छोले में खा। तो ये भाई चाचा के छोले जबरदस्त से हम चेक करते हैं। हाँ चेक करो। ओहो है ना जबरदस्त, है ना काफी ज्यादा फ्रेश है भाई, जबरदस्त बेहतरीन है। टेस्ट है चाचा का कहना टेस्ट टेस्टी, और साथ में मसाला और बहुत सारी चीजें इनके पास। आप आए चचा दोस्त मोहम्मद के छोले लाजमी खाएं। आगे चलते हैं और भी फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, जब आप समुंदर आते हैं और समुंदर में इस टाइप की चीजें भी मिल जाती हैं, इसको कहते हैं बेसिकली बच्चों की खाने पीने की चीजें, बिस्किट हो, चॉकलेट हो और भी मतलब छालिया हो, सिगरेट्स हो, तो सर ये शाही डिलक्स कितने का है? 5 का है। एक पीस 5 का है जी, और 2 पीस 10 का है। हमारे इलाके में ये 2 पीस 5 रुपए के मिलते हैं, तो ये तो आपकी चलो यहाँ पर आप घूम घूम के बेच रहे हैं, लोगों के लिए सहूलत है, तो इनका भी कुछ बचना चाहिए। और प्रेशर वगैरह जो है बबल्स कितने की दे रहे हैं? ये 20 का है, ये 30 का है। ठीक है, और ये बिस्किट कितने की है? 20 का है। ये 20 की है, ये कितने की होती है वैसे? 10 रुपए की। 10 रुपए वाली चीज़ 20 रुपए की है। वजह सिर्फ यही है भाई कि इनके लिए भी कोई सहूलत हो, बेचारे घूम घूम के बेचते हैं और इससे आपकी मतलब दिहाड़ी बच जाती है, 300-400 बस ऐसे सब बचते हैं, ऐसा नहीं निकलता है उतना हमारे कमाई भी नहीं होता है। सी बात है भाई, लोग गरीब लोग हैं यार, इनका ख्याल हमें करना चाहिए। और अगर आप साहिल समुंदर पर आएँ तो इनसे चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, क्योंकि भाई एक यही जरिया है जिनसे इनका कारोबार चलता है, इनका घर चलता है। यही बात है सर, आपका नाम? अब्दुल वहाब भाई थे। इसके अलावा और भी क्या सीन है और भी क्या खाने पीने के आइटम्स में, साहिल समुंदर पर चलते हैं और चेक करते हैं। अच्छा जी, सिलसिला आगे का ये है कि भाई थोड़ा सा आगे आया हूँ और यहाँ पर कुछ घोड़े भी मौजूद हैं, ठीक है, और जिनकी फ़ीस 200 रुपये है। बेसिकली 200 रुपये में आपको अच्छा खासा ये घुमा देते हैं। आप आए, अगर आपको घुड़सवारी करनी हो, हॉर्स राइडिंग करनी हो, तो सी वी ओ एक बेहतर जगह है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, आप घोड़े पर घूमें,
कैमल के ऊपर घूमे, माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती भी आपके सामने है, आप इनके साथ तस्वीरें खिंचवाएं, तो एक अलग ही इन्वायरमेंट है सी व्यू का। फिलहाल आगे और भी चलते हैं और भी सीन हम चेक करते हैं। मेरे साथ एक दोस्त मौजूद है और इनसे पूछते हैं कि भाई सी व्यू कैसा लगा, और ये काफ़ी टैलेंटेड है तो इनसे मैं सोचा कि भाई बात करूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? फराज अहमद। फराज भाई क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं टीचर था स्कूल में। ठीक है। और स्कूल में 12 साल मैंने टीचिंग की है। ठीक है। लेकिन कोरोना के लॉकडाउन के बाद से ये देखा गया है कि स्कूल बंद हो गए हैं। बिल्कुल। ठीक है, लॉकडाउन हो गया तो फिर मैंने अपने मास्क सेल का काम स्टार्ट किया। तो मास्क बेचते बेचते मैंने ये देखा कि वहाँ पर मैंने काफ़ी कमाई की, मुझे एक जॉब और बिजनेस का फ़र्क पता चला। सही। लेकिन उसके बाद फिर मैंने देखा कि मास्क दोबारा से सस्ते हो गए। ठीक है। देन आफ्टर मैंने बहुत ट्राई की जॉब्स के लिए, एक रेस्टोरेंट में भी जॉब करी एज अ वेटर, लेकिन उसमें भी यही था कि पुलिस वाले जो थे वो आके ले जाते थे वेटर्स को कि भाई आप लोग कोरोना के टाइम पे पांडा राइडर्स चला रहे। अभी आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है? मैंने कहा टैलेंटेड है आप काफी, वो टैलेंट बताएं जरा लोगों को। मेरे अंदर टैलेंट यही है कि मैं पढ़ा भी सकता हूँ, उसके अलावा मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, मैं एंटरटेनर भी हूँ। ठीक है। तो मैं सीवी आर्टिस्ट में मतलब डांस वगैरह करते हैं? यस, मुझे डांस भी आता है, उसके अलावा मैं मिमिक्री भी कर लेता हूँ। सही है। तो जरा कोई एक मिमिक्री दिखाएं हमें, सुनाएं कुछ किसी की भी। हाँ, जैसे अगर मैं इमरान खान की बात कर लूँ। ठीक है। तो इमरान खान ने एक मिमिक्री करी थी कि जैसे कि उसने मतलब इस तरीके से कहा था कि देखिए सबसे पहले आप लोगों को घबराना नहीं है। सही है, सही है। तो इसका ये डायलॉग बड़ा मशहूर हो गया। ठीक था। है। और डांस में कौन सा ऐसा टैलेंट है? डांस में बेसिकली मेरे पास टैलेंट ये है कि मैं कोई स्टेप अगर दिखा सकें आप इस वक्त कैमरे पर। जी, फिर भी कोई नहीं है यहाँ पर, तो हम हैं, कैमरा है इस वक्त, लोग आपको देख रहे हैं। दिखाएं कोई टैलेंट अपना। तो भाई ये टैलेंट देखें, अच्छा अच्छा, तो ये टैलेंट है आपका। तो चले भाई, फराज भाई को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ये आए हैं सी वी ओ पर घूमने के लिए, और कोई भी मतलब इवेंट हो जिनमें इनसे डांस करवाना हो या टीचर एज अ टीचर के लिए इंग्लिश पढ़ानी हो, तो बिल्कुल फराज भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिलहाल आपके टाइम का बहुत शुक्रिया फराज भाई, कुछ कहना चाहते हैं आखिरी बात? बस अपने फ्यूचर के जो जनरेशन के नौजवान हैं, मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अगर कभी भी ज़िंदगी में क्राइसिस आए, जॉब नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, आप खुद से उठो। ठीक है। सही है। आप अपने आप को कभी भी कमतर नहीं समझो। आप कभी भी ये नहीं समझो कि आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन डू इट एवरीथिंग। ओके। आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग जमीन से ही उठ के फिर वो आसमान तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। बस अपना यकीन होना चाहिए, अपनी हिम्मत होनी चाहिए। आपकी मोटिवेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपने कभी लाइफ में पीछे नहीं हटा, भले वो काम जितना भी छोटा हो या जितना भी बड़ा काम हो। तो भाई एज अ टीचर, मैं शार्क टाइम्स चैनल वालों को शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज में मिलाई है। कह दे एक बार चलो फिर चले भाई, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है। इसी के अलावा भाई आगे चलते हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे, आगे का सीन आपको चेक कराता हूँ। जी ये था भाई आज का सीन कराची सी वी यू के नाम, जो मैंने आपको दिखाया, डिफरेंट लोगों से मैंने बात किया और यहाँ का आपको कंप्लीट सीन दिखाया। आप यहाँ पर आए तो हॉर्स राइडिंग करें, कैमल राइडिंग करें, और तरह तरह के यहाँ पर खाने पीने की चीज़ मिल जाती है। लेकिन आपको बताता ये चलूँ कि भाई मैंने किसी भी चीज़ को ट्राई नहीं किया सिवाय एक स्पून छोले के, क्योंकि समुंदर की जब गंदी हवा चलती है, हवा तो आप समझ गए कैसी होती है, आलूदा होती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जानवर चल रहे हैं, ऊँट है, घोड़ा है, तो वैसे मेरे ख्याल में सारे समुंदर के खाने जो होते हैं वो प्रेफर मैं नहीं करूँगा कि आप वो खाएँ। तो अपने स्नैक्स वगैरह साथ लेकर आएँ और सही जगह पर बैठकर खाएं। तो बस यही था आज का एपिसोड कराची सी वी यू के नाम। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नए लोगों के साथ किसी नई जगह पर। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।